तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज किस वीडियो में आपको एक ड्रिल मशीन बना के बताने वाला हूँ। यार बहुत सारे भाइयों की कमेंट आ रही थी कि भाई ड्रिल मशीन बनाओ, ड्रिल मशीन क्यों नहीं बना रहे। तो आज किस वीडियो में फाइनली आपको एक ड्रिल मशीन बना के बताने वाला हूँ। और इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी 775 मोटर का यूज़ नहीं करूँगा या कोई भी जो डीसी मोटर होती है उसका यूज़ नहीं करूँगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक टेबल फैन की मोटर का यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा होगा कि भाई टेबल फैन की मोटर से कहाँ ड्रिल मशीन बनेगी, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ड्रिल मशीन बना के बताऊँगा। 100% वर्किंग है और आपको टेस्टिंग भी मैंने शुरू में दिखा दिए। तो यार वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला, प्लीज़ वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल फैन की मोटर ले ली है और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा कनेक्शन सबसे पहले यहाँ पे कर लिया है। और इन कनेक्शन को हमें अभी काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा काम इनके बिना ही होने वाला है, सब ऊपर ऊपर इसमें होगा। तो देख सकते हैं जो वायर मोटर में 3 वायर लगी है, तो सब मोटर में 3 ही वायर रहती है, इससे ज़्यादा भी रहती है कई मोटर में। तो यहाँ पे मैंने एक कंडेंसर भी फिट कर दिया और इसमें लंबाई यानी कि जो लंबा वायर भी यहाँ पे फिट कर दिया है ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो कहीं भी बोर्ड ले जाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरा काम इसमें कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि इस मोटर की पूरी बॉडी बनाना है। तो बॉडी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पीवीसी पाइप का यूज़ करेंगे। तो कौन सा पीवीसी पाइप यूज़ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं जो सॉकेट वाला पीवीसी पाइप आता है इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपकी जितनी मोटर की जो थिकनेस होगी आप उसके हिसाब से यहाँ पे इस पाइप को ले सकते हैं। मेरी जो मोटर थी इसमें बराबर फिट हो रही है, तो अच्छा ही है इसमें फिट हो रही, तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ पे लूँगा ये पाइप को। तो अभी हमें क्या करना है कि सिर्फ ये जितनी लंबी मोटर है फ्रेंड्स, इसकी शाफ्ट को नहीं गिनना है। जितनी लंबी सिर्फ ये मोटर है जिसमें वाइंडिंग हुई है, सिर्फ हमें उतनी ही लंबाई यहाँ से काटना है ताकि हम इसे बिल्कुल फिक्स शेप दे सकें और ये मोटर हमारी जो है ज़्यादा बड़ी ना हो। तो इसमें देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का मार्क कर लिया है। तो आपको सॉकेट वाला ही लेना है, अभी क्यों लेना है मैं आखिरी में बता दूंगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से काट लिया है। और अभी हमें क्या करना है कि देख सकते हैं जैसे कि मैंने सॉकेट का मैंने आधा हिस्सा रख दिया है, तो वो आपको भी रखना है। और पाइप बहुत मोटा है तो टूटने का भी कोई चांस नहीं है। तो अभी अपने क्या करना है कि इस मोटर को देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, बिल्कुल बराबर यहाँ पे फिक्स हो रही है। तो अभी हम आगे का काम भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसके जो आगे का हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा है फ्रेंड्स, इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि पूरा पैक करना पड़ेगा। और देख सकते हैं पीछे का हिस्सा दोनों साइड हमें पूरा का पूरा पैक करना पड़ेगा और मात्र मोटर की शाफ्ट का हिस्सा हमें जो काटना पड़ेगा होल साइज का। तो अभी अपन क्या करते हैं कि एक पीवीसी पाइप की सीट बना लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप इसे यहाँ पे गैस में पाइप को हीट करके यहाँ पे एक सीट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपकी बन जाएगी, बहुत आसान है। तो अभी हमें क्या करना है कि एक जो हमारा कम चौड़ाई हिस्सा है वाला उसका भी एक मार्क कर लेना है, जो दूसरा वाला हिस्सा है हमारा दूसरे साइड का उसको भी मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हिस्से अलग अलग है, एक सॉकेट का है और एक जो हमारा मेन पाइप का रहता है उसका है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मार्क कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि इसे यहाँ पे काट लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हेक्सा ब्लेड के द्वारा इसे बहुत अच्छे से काट सकते हैं, मैंने भी हेक्सा ब्लेड से ही काटा है इसे, तो आप भी इसे काट लीजिएगा, बहुत आसानी से कट जाता है। देख लीजिए मैंने यहाँ पे इसे काट लिया, थोड़ा टाइम लगा इसे काटने में क्योंकि गोल राउंड का है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है कि इसे देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इसे मैं दोनों साइड में लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लगाने से काम नहीं चलने वाला, इसमें हमें मोटर कैसे फिट करना है वो पूरा पता करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अभी अपन क्या करते हैं कि अपनी मोटर ले लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, थोड़ी सी भारी मोटर है यार, इसकी जगह आप 775 मोटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। तो अभी अपन क्या करेंगे कि इसमें जो अपनी शाफ्ट लगी है उस शाफ्ट के यहाँ पे सबसे पहले उसका होल कर देंगे ताकि हमें शाफ्ट अच्छे से निकल जाए। तो मैं फटाफट से होल कर लेता हूँ, आपको वीडियो में दिखाऊंगा नहीं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फटाफट से मैं इसमें होल कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे होल कर लिया है, शाफ्ट अच्छे से इसमें आ जाएगी। तो आप ज़्यादा इसे टाइट मत रखिएगा, थोड़ा लूज ही रखिएगा वरना हमारी जो शाफ्ट है वो थोड़ा धीरे घूमेगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसे कर लिया। तो अभी अपने क्या करना है कि इसमें इसे लगाने के लिए जो मोटर में जो अपने स्क्रू दिए हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पे स्क्रू दिए, वरना हमें यहाँ पे होल करके स्क्रू लगाना पड़ता है। तो अभी अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस स्क्रू को खोल लेते हैं यहाँ पे। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से लाते हो मोटर को, तो आपको बोलना कि इसके साथ स्क्रू भी दे दे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं फटाफट से इसे खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं मैंने दोनों साइड के स्क्रू को यहाँ पे अच्छी तरीके से खोल लिया है। तो अभी अपने को क्या करना है कि इस मोटर को सिर्फ नहीं, मोटर को नहीं, यहाँ जो अपना पीवीसी पाइप है
तो इस पीवीसी पाइप को हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट करना है। तो अभी अपने को क्या करना है, जहाँ जहाँ से हमने स्क्रू खोला था वहाँ वहाँ से आपको मार्क ले लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। एक भी मार्क इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना आपका जो पूरा पाइप है वो ख़राब हो जाता है। तो मार्क ले लेना है, उसके बाद यहाँ पे हम फटाफट से इसमें होल कर लेंगे। तो मैं दोनों साइड का मार्क ले लिया है, अब मैं ड्रिल मशीन से फटाफट से यहाँ पे होल कर लेता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ टूल है तो आप उसके द्वारा कर सकते हैं, कील को गर्म करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से इसमें होल कर लेता हूँ। तो फिर जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से इनमें होल कर दिया है। अब हमारा फटाफट से यहाँ पे हम इसे फिट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी होगी ही क्योंकि थोड़ा सा बड़ा काम है, क्योंकि इसमें हमें पूरी ड्रिल मशीन बनाना पड़ता है, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है मोटर में। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेबल फैन रहता है उसमें एक होल रहता ही है, इसमें एक स्क्रू कसा रहता है पूरा स्टैंड के लिए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक हैंडल ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये जो हैंडल रहते हैं हमारी जो ड्रिल मशीन आती है, एक ग्लैंडर मशीन आती है, उसमें लगे रहते हैं और इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो आप वो जो रिपेयरिंग शॉप होती है वहाँ से जाके मांग सकते हैं, तो आपको थोड़े से यानी कि पैसे देने पड़ेंगे और वो दे देगा आराम से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि इसी के लिए बना है और इसी का जोड़ है। तो हमारे लिए तो बस बहुत ही अच्छा है। तो अभी अपने क्या करना है कि इसे यहाँ पे पीवीसी पाइप के अंदर से फिट करना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं मोटर कुछ इस तरीके से लगाएंगे और वो ऊपर से तो लग नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें एक होल करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम फटाफट से एक होल कर लेते हैं ताकि हम इस हैंडल को कस लें। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने होल कर लिया है। अभी अपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे अपना हैंडल को देख सकते हैं, एक बार मैं लगा के दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ फिक्स हो रहा है। तो इसी की बीट मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वायर को यहाँ से डाल देते हैं इस साइड पे, ताकि हम यहाँ पे मोटर को अच्छी तरीके से फिक्स कर सके, बार बार निकालना ना पड़े हमें। एक बार फिक्स कर देंगे तो यार बार बार निकालना जमता भी नहीं है, वैसे भी आपको नहीं जमता होगा। तो अभी अपन क्या करेंगे कि इस मोटर को, वायर को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे रख देना है ताकि बार बार आपको यहाँ पे वायर कटने का डर ना रहे। और यहाँ पे आप फाइबर स्लिप भी लगा सकते हैं अगर आपको लगाना हो, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अभी अपन क्या करते हैं कि इस हैंडल को यहाँ पे अच्छी तरीके से कस लेते। कसने के बाद बहुत ही यहाँ पे मजबूत हो जाएगा ये, और जो पूरा हो जो पूरा अपना यहाँ पे मोटर का वजन है सिर्फ हैंडल पे आएगा, पीवीसी पाइप पे कुछ भी नहीं होने वाला। पीवीसी पाइप सिर्फ ऐसा रहेगा कि हमें करंट वरेंट ना लगे और वो मोटर का लुक भी थोड़ा अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे पीवीसी पाइप लगा दे रहे हैं, वैसे इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो अभी अपन क्या करते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो बराबर होल किए थे इसमें, इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद अपन क्या करेंगे कि इसमें जो छोटे छोटे अपन ने स्क्रू निकाले थे उस स्क्रू को यहाँ पे लगा के फटाफट से कस देंगे। तो सबसे पहले मैं इन्हें पूरा कस लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे फटाफट से इसे कस लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा जो कसाई का काम होता है वो कर लिया अच्छी तरीके से, और सामने मैंने यहाँ पे उसे फेविक्विक द्वारा चिपका भी दिया है ताकि बार बार मैं आपको दिखाऊँ ना छोटा छोटा काम। तो अभी अपन क्या करेंगे कि जो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा कट लगाया, तो इस कट को मैंने यहाँ से वायर निकालने के लिए लगाया है ताकि फिर बाद में हमें दिक्कत ना जाए। तो फटाफट से देख सकते हैं मैं इसे भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोनों साइड मैंने यहाँ पे अच्छे से कस दिए। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया इसे, तो कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, आप अपने से कर सकते हैं इसे। फिर भी नहीं जमेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हमने क्या करना है कि इसके ऊपर का एक ढांचा टाइप का बनाना है ताकि इसमें अच्छे तरीके से हम वायर को और कंडेंसर को रख सकें। तो अभी अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा एक जो एंड एंड कैप होता है जो हर पाइप का मिल जाता है आपको, तो उस एंड कैप का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मोटर को थोड़ा साइड रखते हुए मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पे एंड कैप दिखा देता हूँ, थोड़ा मोटा है और तगड़ा है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और मैंने इसमें पहले से दो होल करके रखे ताकि मोटर में थोड़ी हवा जाते रहे अंदर और हवा बाहर भी आते रहे। तभी अपन क्या करेंगे कि इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें लगाना है ताकि हमारा कंडेंसर भी इसके अंदर ही रह जाए और बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं लगे कि इसमें अलग से कुछ लगाया गया है। तभी अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक फटाफट से होल कर लेते। तो होल करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा होल करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन में कील लगा के यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी बीट थी वो टूट गई,
कुछ होल करते करते, तो मैं इसमें फटाफट से इसमें होल कर लेता हूँ। तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे होल हो चुका है और मेरा मुंह भी बहुत दुख रहा है यार। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए बोलते बोलते, क्योंकि इतना लंबा वीडियो है यार, बोलते बोलते तो थक जाते हैं। तो सबसे पहले अभी अपन क्या करते हैं कि इसमें वायर को पासिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो होल था थोड़ा छोटा था, तो मैंने उस पर थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे फिर से इसे वायर को डालता हूँ, तो अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा। अभी अपन क्या करें कि पूरे वायर को यहाँ से खींच लेते हैं। बहुत लंबा वायर तो थोड़ा टाइम लगेगा खींचने में, जब तक आप वीडियो देखिए। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं अपना पूरा वायर खींच के हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी गार्ड बांध देंगे, ताकि हमारा अगर वायर बाहर से खींचा है ड्रिल मशीन का, तो इसे हम जो अंदर की सॉकेट जो होती है, अलग अलग कनेक्शन लगे होते हैं, वो टूटे ना। इसलिए मैंने देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी गांठ लगा दी, ताकि वायर बाहर ना खिंचाए। अभी अपन क्या करेंगे कि इस कंडेंसर को हमें यहीं पे अंदर फिट करना है, और जो ये पूरा वायर है थोड़ा सा बचा हुआ, इसे भी पूरा अंदर ही फिट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डबल साइड टेप का यूज़ करूँगा। डबल साइड टेप बहुत मजबूत होती है, यहाँ पे नहीं निकलने वाली। और इसके ऊपर से अगर आपको लगे कि निकल भी जाएगी, तो आप यहाँ पे फेविक्विक का यूज़ कर सकते हैं, सुपर ग्लू का, तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अभी अपन क्या करते हैं कि देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसे लगा दिया है। अब अपने को पूरा वायर भी अंदर ही समेट लेना है, और यहाँ पे पूरी कैप को जो है लगा देना है। तो फटाफट से सबसे पहले अपने क्या करेगी कि ये वायर थोड़ा सा निकल रहा है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे ग्लू गन की यूज़ से यहाँ पे इसे चिपका दूंगा। तो ग्लू गन भी यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लगा देते, डबल साइड टेप भी नहीं लगाते तो अगर आप ग्लू गन लगाते तो यहाँ पे काम आ जाएगा। और फ्रेंड्स मैं इसमें ग्लू गन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर कभी वायरिंग इसकी ख़राब हुई हुई, तो फ्रेंड्स ये ग्लू गन जो है बहुत आसानी से निकल जाती है। यानी कि अगर आप ऐसे अपने आप अगर ग्लू गन निकल जाए तो वो नहीं निकलेगी, अगर आप थोड़ा सा इसे खींचोगे तो यहाँ पे आराम से निकल जाती है, वरना ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अपने क्या करना है कि इसे यहाँ फटाफट से तो थोड़ा सा सूखने देना है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे लगा देना है, और यहाँ पे आपके पूरी जो ड्रिल मशीन है वो कंप्लीट हो जाती है। नहीं नहीं यहाँ पे अभी 90% ही काम हुआ है, इसका जो मेन वाला काम है अभी बचा ही है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेन काम है अभी इसका क्या बचा है। तो यहाँ पे अपने क्या करना है कि देख सकते हैं अपने पूरी ड्रिल मशीन तो समझ लीजिए कंप्लीट हो ही गई, लेकिन इसमें जो मेन काम होता है वो होता है सामने का ड्रिल चक का। फ्रेंड्स ड्रिल चक आपको लेके ही लाना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी बनाओगे तो वो उतना वर्क नहीं करता जितना करना चाहिए। देख सकते हैं इस तरीके का कुछ ड्रिल चक आ जाता है, तो ये 100 रुपये के अंदर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये 1.5 mm से लेकर 30 mm तक की बीट यहाँ पे लगा देता है, तो आप इससे छोटा भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 रुपये से कम का आपका आ जाएगा, 80 से 100 रुपये के बीच का आ जाएगा। तो इसे देख सकते कुछ यहाँ पे हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि इसका सॉकेट नहीं रहता, तो अभी अपन क्या करेंगे कुछ जुगाड़ लगाएंगे यहाँ पे और इसे यहाँ पे फंसा देंगे। अगर आप इसका सॉकेट ला लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पेपर टेप की यूज़ से इसे थोड़ा सा यहाँ पे मोटा कर लूँगा इस सॉकेट को, और इससे बाद में सुपर ग्लू लगा के इसका पूरा अच्छे से कड़क कर दूँगा, ताकि अपना जो ड्रिल चक है बार बार निकले ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सुपर ग्लू लगा देता हूँ, और सुपर ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे अपन जो अपना ड्रिल चक है उसके अंदर एक चूड़ी बनी रहती है। फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रू देखते होंगे, नट हमारा जो रहता है उसके अंदर भी एक चूड़ी बनी रहती है, जिसे कसने से यहाँ पे जो अपना ड्रिल चक है बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे अपन बॉटल का कैप लगाते हैं, उस तरीके से ही हमें यहाँ पे जो अपना ड्रिल चक होता है उसे लगाना रहता है। तो फ्रेंड्स ये जो टेप है इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा मोटा रखा है, ताकि हम जब यहाँ पे अपना ड्रिल चक लगाए उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो अपनी टेप है ये अपने आप ही अंदर में अंदर के अंदर चूड़ी बना लेगी, तो उससे अपनी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली जब अपन चक लगाएंगे अपना ड्रिल का। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं आपको लगा के बता देता हूँ, उसी तरीके से आपको भी लगाना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा बहुत मोटिवेशन देता है। नहीं मोटिवेशन नहीं यार, क्या क्या बोल रहा हूँ, मोटिवेशन देता है यार, थोड़ी जवान लड़खड़ा जाती है, बहुत देर से बोले जा रहा हूँ यार मैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपनी ड्रिल मशीन पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आपको यहाँ पे कलर करना है तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रिल चक को खोल लेता हूँ। अभी अपन क्या करेंगे कि इसमें बीट लगाना है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बीट जो है टूट गई है, तो मैंने यहाँ पे कील की जो है बीट बना ली है, ये भी वैसे ही काम करती है, थोड़ा धीरे काम करेगी लेकिन सेम काम करेगी। तो आप यहाँ पे बीट लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती बीट तो आप ला सकते। तो अभी मैं क्या करूँगा इसे चाबी के द्वारा यहाँ पे कस लूँगा, ताकि अपनी जो ड्रिल बीट है
इधर से उधर हिले ना, और अगर आप चाबी से कसते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो जो ड्रिल बिट है वहीं के वहीं घूमने लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है कि होल नहीं हो रहा। तो अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चला के बता देता हूँ, और इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ मैं सबसे पहले अभी आपको। तो देख सकते हैं अभी जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा वायर लगाऊंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट होने लग जाएंगे। देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे जो वाइब्रेट हो रहा है, तो हमने जिस सामने जो ड्रिल चक लगाया फ्रेंड्स उसके कारण वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसे ठीक कर लिया अच्छे से टेप लगा के। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यहाँ पे ड्रिल कर रही है, मेरी जितनी उम्मीद थी फ्रेंड्स उससे ज़्यादा यहाँ पे ड्रिल कर रही है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे जो टेबल फैन की मोटर से इतनी अच्छी ड्रिल मशीन बन जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो मुझे ज़्यादा पीवीसी पाइप का काम रहता है फ्रेंड्स, उसी के लिए मैंने मेन इसे बनाया है, और आप भी देख सकते हैं मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, तो आप भी बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्रिल कर रहा है, बिल्कुल मंडाते में ही यहाँ पे पूरी ड्रिल हो जा रही है। तो अभी मैं आपको फिर से लकड़ी में भी करके दिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से ड्रिल होता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं अभी मैं इसमें लकड़ी में ड्रिल कर रहा हूँ, तो बहुत ही शानदार फ्रेंड्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं अभी इसमें ड्रिल बीट अगर फंसा देता तो इससे भी ज़्यादा तेज़ चलता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कील लगी है, कील की ही मदद से वो देख सकते कितना अच्छा होल कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आप भी इसे अपने घर में बनाइए, 100% वर्किंग है। अगर नहीं वर्क करता तो मुझे एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको उसकी कमी बता दूंगा कि वर्क क्यों नहीं कर रहा। तो देख सकते पूरा आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पे दिख रही है मशीन, तो क्या बताऊँगा अब आपको फ्रेंड्स। देख सकते पूरा का पूरा मैं आपको होल दिखा रहा हूँ, इतने सारे होल मैंने यहाँ पे किया हूँ, और देख सकते अपना जो कील था वो भी कितना बड़ा था और अंदर अंदर जा रहा था। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे ये मशीन रही, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया, वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और ये भी कमेंट करना कि आपको किस कैसा प्रोजेक्ट चाहिए। जो प्रोजेक्ट आप बोलोगे वैसा प्रोजेक्ट मैं ला के दूंगा, जैसे कि आपने ड्रिल मशीन बोला, ड्रिल मशीन आपको मैंने बना के दी। तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।